नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एचएससी और एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले राइटिंग स्किल के बारे में बात करेंगे। एचएससी एग्जामिनेशन में लीफलेट पूछा जाता है। सो व्हाट इज मीन बाय लीफलेट, यानी लीफलेट क्या है? आपके जीवन के कुछ सुनहरे पल दुनिया के खूबसूरत जगहों पर बिताना चाहते हैं। आप पिकनिक पर जाना पसंद करते हैं, ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ पर बड़ा इतिहास बना हो, या ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत हो, ठंडी हवा आपको सहलाती हो और आप आसमान को छूना चाहते हैं, ऐसे हिल स्टेशन पे आप जाना चाहते हैं। जब आप इन खूबसूरत जगहों पे जाते हैं तब आपका मन करता है कि आप कुछ इनके बारे में लिखें, दुनिया को बताएं, और आप इनके बारे में लिखते भी हैं, उसे ही लीफलेट कहा जाता है। इन खूबसूरत जगहों पर जाने से पहले आपके मन में कई सवाल घर कर जाते हैं, जैसे कि कैसे जाना है, हाउ टू गो देयर, हाउ टू रीच देयर, हाउ टू गेट देयर। दूसरा सवाल आपके मन में आता है कि आप वहाँ जाने के बाद कहाँ रहेंगे, यानी एकोमोडेशन, वेयर टू स्टे, कहाँ पे रहना है। तीसरा सवाल आपके मन में उठता है और वो है व्हाट टू सी देयर, आप वहाँ पे जाके क्या देखेंगे, किस लिए आप जा रहे हैं, वहाँ पे जाने के बाद ऐसा क्या है उस जगहों पे जो मैं वहाँ की यादें सीमेंट के यहाँ पे ला सकूँ। तो शॉपिंग अट्रैक्शन और एनी अदर स्पेशलिटीज जो आपको जीवन भर उस जगह की याद दिलाती है। वेन टू विजिट देयर, आप किस मंथ में, किस टाइम में उस जगह पे विजिट देंगे। इसी तरह से एचएससी और एसएससी एग्जाम में आपको लीफलेट पूछा जाता है और वो दो तरह के जगहों पे होता है। वो है हिस्टोरिकल प्लेसेस, यानी ऐतिहासिक जगह के बारे में आप लीफलेट लिखिए, और दूसरा होता है हिल स्टेशन के बारे में। हमारे महाराष्ट्र में बहुत से हिल स्टेशन्स हैं जिसमें महाबलेश्वर, चिखलदरा, बालाघाट हिल्स, सह्याद्री हिल्स, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आइए ऐसे ही एक प्रसिद्ध जगह के बारे में हम लिखते हैं और वो है महाबलेश्वर। आप इमेजिन कीजिए कि आप महाबलेश्वर जा रहे हैं, महाबलेश्वर पे लीफलेट लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना है महाबलेश्वर, और उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन देना है। महाबलेश्वर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिल स्टेशन ऑफ महाराष्ट्र एंड इट इज़ अबाउट 4710 फीट अबाउ द सी लेवल। फर्स्ट पॉइंट आता है और वो है हाउ टू रीच देयर, या हाउ टू गो देयर, या हाउ टू गेट देयर। सो यू कैन राइट ईजिली इट, जैसे कि यू कैन रीच देयर बाय रोड, बाय ट्रेन एंड बाय एयर। सो पहले हम रोड लेते हैं। रोड में MSRTC बसेस रेगुलरली प्राय देयर एंड ऑल्सो प्राइवेट कोचेस, बसेस, टैक्सीज एट्सेट्रा रेगुलरली प्राय देयर। इट इज़ अबाउट 150 किलोमीटर फ्रॉम पुणे टू महाबलेश्वर। सो ये आपका पॉइंट फर्स्ट हो गया। सेकंड पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेयर टू स्टे देयर, आप वहाँ पे कहाँ रुकेंगे, या एकोमोडेशन, या आपका व्यवस्थापन कहाँ करना है। सो यू कैन राइट ऑल्सो ईजिली, यू कैन स्टे देयर एट 5-star and 3-star होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रस्टी, धर्मशाला एंड आश्रमशाला एट वेरी लो रेंट। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट डिस्क्रिप्ट करके। तीसरा जो पॉइंट होता है वो है व्हाट टू सी देयर और वर्थ इम्पोर्टेंस। सो यू कैन राइट एज यू कैन सी देयर प्रतापगढ़, वेना लेक, लिंगमाला फॉल्स, लॉडविक पॉइंट्स, वेल्सन पॉइंट, कैटिस पॉइंट, आर्थर सीट एंड मार्फ गार्डन, दीज आर द फेमस प्लेसेस एट महाबलेश्वर। यहाँ पे जाइए, आपका जीवन का सबसे ग्रेटेस्ट वक्त आप वहाँ पे गुजार। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो है शॉपिंग अट्रैक्शन। आप वहाँ जाने के बाद आपको कुछ यादें आपके साथ लाना होता है, तो आप वहाँ पे या वहाँ से आप अपनी यादें यहाँ पे लाएंगे, तो वो है शॉपिंग अट्रैक्शन। यू कैन बाय देयर साड़ीज, शॉल्स, ब्लैंकेट्स, ऑर्नामेंट्स एंड हैंडलूम्स। इट इज़ आल्सो फेमस फॉर फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी एट्सेट्रा, दीज आर द फ्रूट्स आर वेरी फेमस इन महाबलेश्वर। लास्ट में होता है कि आपको लीफलेट लिखते वक्त अपील करना जरूरी होता है, अपील यानी विनंती। आप लोगों को विनंती कीजिए या अपील कीजिए, प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए और एक खूबसूरती तो देख के आइए। सो इसलिए आप लिखिए, सो
you must visit at once in your life to this place. So this is the leaflet on hill station. आइए ऐसा ही एक लिफलेट लिखते हैं जो हिस्टोरिकल प्लेस पे आधारित हो। हमारे महाराष्ट्र में बहुत सी जगहों पे इतिहास गढ़ा हुआ है, उसमें से औरंगाबाद ये सबसे फेमस है, जहाँ पे मुगल एम्परर औरंगजेब वहाँ पे रहे थे, तो उनके नाम से ही वहाँ पे औरंगाबाद ये नाम पड़ा है। तो औरंगाबाद पे हम लिफलेट लिखेंगे। सो पहले हेडिंग दीजिए औरंगाबाद, और बाद में इंट्रोडक्शन दीजिए, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ महाराष्ट्र, इट इज़ नेम आफ्टर द मुगल एम्परर औरंगजेब। सो फर्स्ट पॉइंट फिर से आता है, हाउ टू रीच देयर, यू कैन राइट एज प्रीवियसली, यू कैन गो देयर बाय रोड, ट्रेन एंड बाय एयर। बाय रोड MSRTC बसेस रेगुलरली प्राय देयर, एंड ऑल्सो प्राइवेट कोचेस, बसेस, टैक्सीज एक्सेट्रा रेगुलरली प्राय देयर। It is about 150 km away from Pune to Aurangabad. बाद में आता है by train. The nearest railway station is Pune and also Bhusawal. By air. The nearest airport is Aurangabad. So ये हो गया first point, जहाँ पे तीन point आते हैं, by road, by train and by air. Second point है where to stay there and accommodation. So you can stay there at 3-star hotels, restaurants, trustees, charitable trusts, dharmashala, ashramshala, etc. at very low rent. Next point hota hai, what to see there? Aap wahan jaane ke baad kya dekhenge? So you can see there Bibi ka Maqbara, Chhota Taj Mahal, temples, nearest Ajinta and Werul caves. So these are the famous places that you must visit there. आपका जो लास्ट पॉइंट होता है वो है शॉपिंग अट्रैक्शन और एनी अदर स्पेशलिटीज। सो यू कैन बाय देयर साड़ीज, फैशंस, ऑर्नामेंट्स, हैंडलूम्स एंड एनी अदर थिंग्स दैट यू लाइक एट वेरी लो कॉस्ट। सो दीज आर द स्पेशलिटी ऑफ औरंगाबाद। लास्ट में आपको अपील करना है, सो यू मस्ट विजिट दिस प्लेस एट वंस इन योर लाइफ, दिस सेंटेंस यू मस्ट नॉट फॉरगेट। सो ये हो गया लिफलेट। ये वीडियो आपको कैसे लगा हो तो एक लाइक देना और कमेंट देना ना भूलें। उसी के साथ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।